परम सम्माननीय मंच पर उपस्थित हैं, जो शहीद की माँ हैं मूर्ति देवी जी, पिता हैं सम्माननीय जयराम जी, वीरांगना हैं निर्मला देवी जी और पुत्री है हैप्पी और हैप्पी मिनल सिंह, भाई है भीम सिंह, कालू राम जी, छोटू राम जी, छोटी बहन है छोटी और सीता। और आज इस पवित्र दिन पर आप और हम इकट्ठे हुए शहीद दयाराम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उसमें उपस्थित उनके विभाग से कमांडर शिवराम वर्मा जी जो कि कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उदयभान सिंह जी, उदयभान प्रताप सिंह जी जो सीओ हैं 28 रेजिमेंट राजपूत में, सूबेदार मेजर चतर सिंह जी और सूबेदार राम सिंह जी अध्यक्ष हैं, हजारी लाल जी कैप्टन, एसडीएम साहब, तहसीलदार और सीबीओ एसीबीओ, सम्माननीय मंच पर उपस्थित रामस्वरूप कसाना जी जो पूर्व मंत्री रहे, दीपचंद जी खैरिया जो विधायक हैं, दाताराम जी जिला प्रमुख, रामेश्वर जी डीएसपी, सुमन सुभाष यादव प्रधान बांसूर से, नीता सज्जन मिश्रा जी चेयरमैन, कैलासी देवी जी सरपंच बुटेरी, माड़ाराम जी चेयरमैन साहब, ब्रह्म प्रकाश जी, जीवराज मुनीम जी, एमपीएस पूर्व झाबर जी, भैरू राम जी डीओ साहब, माता दीन जी, खेताराम जी सरपंच साहब, पूरणमल जी बरगढ़, रामोतार शर्मा जी एमपीएस, पीसी रावत जी सरपंच साहब, धर्मवीर जी सरपंच, धर्मपाल जी सरपंच, हंसराज जी सरपंच, राम सिंह जी एमपीएस, सुभाष सरपंच साहब, महेश सरपंच जी, सुरेश जी, नीरज जी सरपंच, गेंदाराम जी सरपंच संघ के अध्यक्ष, भीम सिंह जी ब्लॉक अध्यक्ष, भोमाराम जी पूरण जी पार्षद, भोमाराम जी सरपंच, राजेंद्र जी सदस्य कृषि उपज मंडी, मोहनलाल जी सरपंच, भवानी जी सरपंच साहब, हनुमान मीणा जी अध्यक्ष मीणा समाज, महेंद्र जी पूर्व अध्यक्ष, कबूल जी सरपंच, धर्मवीर जी, बाबूलाल जी अध्यक्ष डीलर संघ, मामचंद जी, कृष्ण सूद जी, राम सिंह सूद जी, मदनलाल जी सरपंच, ब्रह्म प्रकाश जी, बाबूलाल जी, पूरण जी, रोहतास चावड़ा जी, एडवोकेट विकास जांगल जी जो मंच संचालन कर रहे हैं, श्री हीरालाल जी शास्त्री, अमर सिंह जी सरपंच, रजनीश जी पुरोहित, रघुवीर जी लोमोड़, सभी सम्मानित मंच और मेरे सामने आ रहे हमारे बहरोड़ से विधायक सम्माननीय बलजीत यादव जी, पधारे भाई का स्वागत है। मंच पे बैठो। विधायक महोदय का हम बांसुर पधारने पे हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमने ये तय कर रखा है कि हम जिस भी शहीद के प्रोग्राम में जाते हैं बलजीत जी, तो हम कोई भी स्वागत नहीं करवाते, हम सिर्फ और सिर्फ शहीद के परिवार का ही स्वागत करते हैं, क्योंकि ये दिन बहुत पवित्र दिन होता है। हमने पहले से ही मना कर रखा है 2013 से ही। और मेरा प्रयास रहता है कि शहीद के जो स्मारक बने हैं उनमें सभी में जितना हम दे सकते हैं 4 लाख रुपए हम देने का प्रयास रहता है। इनका इसलिए लेट हो गया थोड़ा क्योंकि इनकी टेक्निकल कोई जो कागज़ थे वो नहीं पहुंचे थे, बाकी फाइनेंस स्वीकृति जारी हो गई है, अब इनके खाते में वो पैसे आ जाएंगे, सरपंच साहब के में आएंगे और मेरी बात भी हो गई थी। और जो अभी किशोरपुरा से आई थी उनकी बेटी को इतने दिनों बाद अब बांसूर एसडीएम ऑफिस में नौकरी मिली, अभी जो यहाँ से गई है भगवती देवी जी, उनकी बेटी को बांसूर में ही नौकरी दे दी गई है अभी राजस्थान सरकार की ओर से। तो ऐसे जितने भी राजस्थान सरकार की ओर से एक जने को सरकारी नौकरी दी जाती है, माता पिता की एफडी की जाती है और आने जाने का किराया फ्री,
50 लाख रुपए ले लें, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड का मकान लेना चाहे, 25 बीघा जमीन लेना चाहे, ये वीरांगना की इच्छा पे निर्भर करता है। और या तो वीरांगना नौकरी करे या उसके खुद के बच्चे, तो उनको एक जने को सरकारी नौकरी दी जाती है। तो जो जो भी अपने चाहे 20 साल पुराने केस थे, 30 साल पुराने थे, उन केसों को भी अपन ने अभी अभी यहाँ पर नौकरी दिलवाई है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वो बच्चियाँ निकल के घर से आई हैं बाहर। और जो एक अभी मैंने बात करी थी, जो स्कूल के नाम की, जैसा हमारे संचालक महोदय बात कर रहे थे, जो ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर है उस स्कूल का हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है, क्योंकि पहले जो प्रस्ताव भेजा गया था यहाँ से, जो हमारे एक अधिकारी थे अपने, उन्होंने थोड़ा दूर भेज दिया था, उसको वापस कैंसिल कराया है। और मुझे तो खुद को ही ये देख करके आश्चर्य हुआ कि इतना एक यहाँ गांव में स्कूल ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे होते सोते दूसरी स्कूल का प्रस्ताव यहाँ से गया, अपने यहाँ से बांसूर से, तो उसको कैंसिल करा दिया गया है। और बांसूर की ही अपनी जो ग्राम पंचायत बुटेरी है, उसकी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अब उसका प्रस्ताव हमने भेज दिया, जल्दी आकर के नामकरण होकर के वो यहाँ पर आ जाएगा। मेरा तो आप सभी से निवेदन है, क्योंकि आज ये प्रोग्राम एक शहीद, देखिए मैं मंच के माध्यम से झूठ नहीं बोलती कभी भी, मैं कभी भी जिंदगी में झूठ बोलना मेरे उसमें नहीं है कि मैं झूठी घोषणा कर दूं या असत्य कोई भाषण करके चले जाए, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं झूठ कोई भी नहीं। ऐसे प्रस्ताव का कोई नाटक थोड़ी करना है शहीद के लिए, शहीद के लिए करना है तो काम ही करना है, ऐसे थोड़ी है कि झूठा भिजवा देंगे प्रस्ताव, ऐसे नहीं कि प्रस्ताव भेज दूं और काम फिर वो नहीं हो, पहले पूछूंगी, बात करूंगी, अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है, क्योंकि हम प्रस्ताव ऊपर तक स्कूल का भेज चुके हैं। अगर ऐसा होगा बात करने के बाद बताएं, क्योंकि हमारा प्रस्ताव मंजूर होने के कगार पे, सिर्फ नाम होने के उस पे है। मेरी बात हो गई थी मंत्री जी से जिस दिन अलवर आए उसी दिन। आप सभी से मेरा तो एक ही निवेदन है कि हारी और बीमारी और ये चलती रहती है, कृपया करके आप अपना चिरंजीवी कार्ड जरूर बनवाएं। आज भी अपने एक बालक का एक्सीडेंट हुआ है, वो महात्मा गांधी में, उसका भी चिरंजीवी से नहीं जुड़ा हुआ है। फोन आया मेरे पास, मैं भी वहाँ रुक गई थी कोटपुतली, इसीलिए उसकी व्यवस्था करी, कलेक्टर को फोन किया। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो महंगाई रात कैंप लग रहा है उसमें जाकर के आप चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना से जुड़े, चिरंजीवी बीमारी वाले से जुड़े, अपने बिजली के बिल ले जाकर के बिल माफ करवाएं, जो उज्ज्वला से जुड़े हुए गैस की सिलेंडर की पासबुक ले जाए तो वो 500 रुपये में उसको सिलेंडर मिलेगा, वृद्धावस्था पेंशन को रिन्यू करवाएं, 1000 रुपये हो गई, पालनहार पेंशन 1000 रुपये से ज़्यादा बढ़ा करके 1500 रुपये कर दिए, कोरोना में जिनके माता पिता नहीं उनके 2500 रुपये कर दिए। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब इन योजनाओं से जुड़ जाएं, क्योंकि जरूरत पड़ती है जब ही याद आती है किसी भी चीज़ की। आप सभी से मेरा ये हाथ जोड़ करके निवेदन है। एक CO साहब ने जय बोली, वैसे तो जिला प्रमुख जी कह रहे थे आज तो मारा कुणबा में सूदा के प्रोग्राम छे, और जय बोली तो इतनी सी ये लाल हरी टंकी तक भी नहीं गई, उसने तो पूरे देश में नाम अमर किया, पूरे भारत देश का नाम किया, भारत धरती माँ का नाम रोशन किया, अपनी माँ मूर्ति देवी का नाम रोशन किया। थारे सूदा को करो तो जय तो जोर से बोलता कम से कम, मैं देखे एक बार बोलूं जोर से बोलोगा कि ना, देखू मैं भी शहीद दयाराम अमर रहे, इतनी सी जय, शहीद दयाराम अमर रहे, ऐसे जोर से बोलना चाहिए। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत एक मेरी तरफ से एक हिम्मत देना चाहूंगी, और जो मेरी तरफ से एक स्कूल के कमरे की, या उनके फादर कह रहे थे कि मैं दूसरा कोई काम बताऊंगा वो कर देना, अगर चाहेंगे वो तो स्कूल में एक कमरा मैं बरामदा दयाराम शहीद के नाम से मैं घोषणा करती हूँ। और वो दूसरा भी जो भी कोई वो बताएंगे उनका पर्सनल कि भाई यहाँ का कोई कुछ भी जो भी करना है वो भी मैं करने की घोषणा करती हूँ जो वो काम बताएंगे। और जो ये आर्मी मैन है मेरे पीछे बैठे हैं, आपका जो जज्बा है उसे भी मैं सलाम करती हूँ आप सभी को, क्योंकि आप अपना घर परिवार और सब कुछ छोड़ करके इतनी दूर रहते हैं। मैंने अभी आपके ऊपर 2 लाइन लिखी बैठ करके,
कि हारी बीमारी दुर्घटना से रोजमर्रा करते हैं उसे मौत कहते हैं। अपने जिस्म के लहू से तिलक करके भारत माता पे जो प्राण देता है उसे शहीद कहते हैं। जय हिंद।